गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम एक बार फिर से उठ गए हैं आज की नई यात्रा करने के लिए। हेलो, जल्दी से रेडी हो जाओ। एक और हम सब हो गए तैयार एक बार फिर से चलने के लिए। हमारी गाड़ी हो गई तैयार, सब लोग आ गए हैं बाहर और हम चलते हैं अब आगे की तरफ यात्रा करने के लिए। और ये है, इन्होंने हमारी बहुत सेवा की, इनको थैंक यू। बर्फ मिली जाएगी बेटा, हेली मिल जाए, इसके लिए हम जा रहे थे सुबह से। हेलीपैड वही है बेटे, हेलीकॉप्टर ये खड़े हैं हेलीपैड पे। और यहाँ पे सब लोग खड़े हैं हेलीकॉप्टर के लिए, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर मिल नहीं पा रहा है। फिर बड़ी दिक्कत आ रही है हमको एक बार फिर से, देखिए बहुत दिक्कत हो गई हमको एक बार। ये पीछे बार चमक रहा केदारनाथ की पहाड़ियाँ। लास्ट डे ऑफ फ्लाइंग है हमारा, सेम डे हम कम देंगे। कुछ को टिकट मिल पाएगा, कुछ को नहीं मिल पाएगा। टिकट का रेट बाटा एयर सेक्टर से 4,720 है और जस्ट इसका हाफ वन वे का है। ये और बहुत देर के बाद हमें माथा पच्ची करने के बाद बहुत वैसे भी इंतजार किया, हमें मिल गया टिकट। ये देखिए टिकट, दो टिकट हमारे पास, सभी चेहरे पे आ गई खुशी देखिए। और अब हम जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जय बाबा जी, जय भोले की। ये जा रहे हैं हम हेलीपैड की ढूंढ में, काफी आगे जिनको कहाँ मिलता है ये पूछ रहे हैं हमारे से आगे वाले कि हेलीपैड कहाँ है हमारा। और आखिरकार हमें मिली गया हेलीपैड और हेलीकॉप्टर की हमारी बुकिंग हो गई है। तो हम बोलते हैं जय बाबा जी की, हम चल दिए हैं हेलीकॉप्टर की ढूंढ में। यहाँ पे हमारी एक टीम का हेलीपैड, हम जा रहे हैं देखिए, और हम जा रहे हैं सामने हेलीकॉप्टर है, इसमें हम जाके बैठ के जाएंगे अब केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं हेलीपैड के पास में, बहुत जल्दी जाएंगे। देखिए ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उतर आई है, जगह आपकी सिरसू, और यहाँ से निकलती है ऊपर केदारनाथ जी। बोर्डिंग पास हम बैठे हैं, बोर्डिंग रूम ये दिसंबर शतानी कर रहे हैं, बैठे बोर्डिंग रूम में। यहाँ से हमें थोड़ी देर बाद हेलीपैड के ऊपर टीम चली गई है, देखो। ओके, बाय बाय, शुभ यात्रा, जय बाबा जी की। हेलीपैड से जाएंगे हम, यहाँ पे हेलीपैड आएगा, फिर यहाँ से जाएंगे हम केदारनाथ जी की सवारी। और ये पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम। यहाँ पे अभी हमने लैंड किया है हेलीकॉप्टर से, और देखिए मैं और हमारे जो टीम पूरी फैमिली हम आ चुके हैं और हमसे पहले पहुंच चुके। देखो ये है दिस्ता, भी ये दिस्ता, इसको डर के मारे हम लोगों की सबकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है बहुत ज़्यादा से अप एंड डाउन हो रहा था और थोड़ी सी वाइब्रेशन थी, सब डर लग रही थी। क्योंकि हम आज पहली बार हेलीकॉप्टर में आए और बहुत मजे ये बाबा केदारनाथ के पीछे का ये पूरे पहाड़, पूरी गिरी हिमालय, पूरे बर्फ से है लगभग, और ये पूरे टूरिस्ट यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखिए
बहुत ही आनंद आया आपको आज हमें यहाँ पे दर्शन करके। और ये पहुँच गए हम बाबा केदारनाथ के धाम पे। आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए आके पूरे हमारे पीछे पहाड़ देख रहे हैं और यहाँ पे लोग पूरे टूरिस्ट आए हैं दूर दूर से। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। पूरी पहाड़ियाँ ही से अच्छा दिखा ये पूरी की पूरी। ये मेरे सामने देखो पूरा का पूरा केदारनाथ जी का धाम और पीछे पूरा हिमालय पर यहाँ से लास्ट टाइम आया था ग्लेशियर जहाँ से जब पिताजी धाम में आपदा आई थी। क्या आ रहे हैं हमारे मित्र देखिए अपनी फैमिली के साथ। हेली से का मजे लेने के बाद हम जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ। हाँ दर्शन कर रहा हूँ, इंतजार तब कर। ये दोनों कहाँ गए? आ जाओ जल्दी से आ जाओ, रिश्ता जल्दी से आ जाओ। यस चलो। ये देखिए ये है पैदल ट्रैक, यहाँ से लोग पैदल यात्रा करते हैं और पानी से सामने से आती हुई देखो जलधारा पूरे दूध के रंग में श्वेत देखते। मंदिर जाए तो कुछ हम ले लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद और कुछ यहाँ की निशानी बाबा केदारनाथ जी की निशानी। और ये पीछे पहला देखो पूरा ग्लेशियर का पानी एकदम ठंडा। ये देखिए वैसे जैसे दूध बह रहा हो पूरा पर्वत। क्या ले रहे हो तुम लोग बताओ जल्दी मुझे। ये देखिए श्रद्धालु आ गए हैं पूरा दर्शन करके वापस, पूरा का पूरा आनंदित लग रहा है, पूरा भक्ति में पूरा क्षण है यहाँ पे। और ठंडी बर्फीली हवा भी साथ में बह रही है, ऊपर से बढ़िया सी धूप, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये सामने है जो आपको दिख रहा है, देखिए ये है बाबा केदार का प्राचीन मंदिर और इसके दर्शन करने के हम लोग आए बड़ी देर से। पीछे से पूरा का पूरा हिमालय पर्वत देखिए, यहाँ रहते हैं हमारे। देखिए ये है आगे प्रसाद देते हैं कुछ। और ये पूरी की लाइन लगी है दर्शन करने के लिए, पूरी देखो सामने मंदिर है और ये पूरी की पूरी लाइन दर्शनार्थियों की। देखिए और ये हम एकदम सामने पहुंचने वाले हैं बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के। देखिए जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। ये हम चल रही है मंदिर की तरफ, लगातार बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं मंदिर के। और मेरी बगल में देखिए बाई में देखिए पूरी लाइन लगी हुई है दर्शनार्थियों की और सभी के चेहरे पर पूरे भाव है, भक्ति के भाव। ये पहुंच गए हैं मंदिर के सामने। बाबा जी यहाँ पे और ये लगाते हैं देखो पूरे भोलेनाथ जी का टीका, और ये सब भोलेनाथ जी के रंग में रंगे हुए हैं। देखिए इसका लगा रही है टीका, कितना सुंदर देखिए। देखिए ये है सामने यहाँ पे केदारनाथ जी का मंदिर, जिसके दर्शन के लिए लोग आते हैं बार बार यहाँ पे, और उसके दर्शन के लिए मोदी जी आ चुके हैं कई बार। ये मंदिर का
निर्माण हुआ था द्वापर युग में, पांडवों के द्वारा बनाया गया था मंदिर, और उसके बाद इसकी पुनस्थापन किया गई शंकराचार्य के द्वारा। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कौरव और पांडव के बीच हुआ था, दोनों एक ही वंश के थे, एक ही भाई बंधु थे, तो जब क्योंकि पांडवों के द्वारा कौरवों का रणभूमि में संग्रह हो गया था, फिर उनसे हमारे भोलेनाथ हैं बड़े नाराज़ हो गए थे। उन नाराज़गी दूर करने के लिए उन पांडवों ने भोलेनाथ की तपस्या करनी सोची, उनके दर्शन करने सोचे, उनसे माफ़ी मांगने सोची, लेकिन क्योंकि भोलेनाथ बहुत मूर्ख थे तो इसलिए वो चल दिए, और आगे आगे भोलेनाथ चलते गए और पीछे पीछे चलते गए पांडव। और यहाँ जब केदारनाथ पहुँचे, यहाँ पे वो जैसे ही केदारनाथ पे पांडव और शिव आमने सामने हुए, शिव जी ने अपना बैल के रूप नंदी जी का रूप धारण किया और पातालों में समान लगे, इतने में भगवान शिव को भीम जी ने पहचान लिया, और भीम के पहचानने के बाद उन्होंने जो बैल का कुबड़ था उसको पकड़ लिया, तो पूरे भोलेनाथ जमीन के अंदर घुस चुके थे, और उनका एक जो हिस्सा वो निकला जाके पशुपतिनाथ, जो कि आज नेपाल में है, और यहाँ पे भगवान का कुबड़ उन्होंने पकड़ लिया था, तो यहीं पे तब से ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई और भगवान के दर्शन पांडव को हो गए थे। पांडव के हमने दर्शन कर लिए हैं, मेरे पीछे देखा मंदिर देख रहे हैं, और श्रद्धालुओं की पूरी लाइन है, अभी भी बहुत भीड़ है यहाँ पे, और श्रद्धालु लगातार आए रहे हैं। हमको यहाँ पे दम मंदिर में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी जो मनोकामना थी हम ये कामना करते हैं जो शीघ्र ही पूर्ण होगी, और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पे जरूर बरसेगी। और तब तक हम के लिए बाय, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भोलेनाथ।